हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। नाउ कोल इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट आ गई है और इसमें 1300 जितनी वैकेंसीज है। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई भी करने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया से। ये एग्जाम बिना मतलब ये रिक्रूटमेंट बिना गेट के ली जा रही है, खुद की एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं। वैसे इसकी मैंने पूरी वीडियो बना दी है, आपने बहुत सपोर्ट किया हुआ है। अब आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं इसकी थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी में अपने हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ क्या है, स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है, सिलेबस क्या होगा, एज वेल एज प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब ऑलमोस्ट हम यहाँ पे सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिलेबस, वैसे तो यहाँ पे जो पैटर्न है एग्जाम की वो दो पेपर में है, पेपर वन एंड पेपर टू। ठीक है, आप लोगों के पास कितना टाइम है यहां पे? सिर्फ और सिर्फ 60 डेज है, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा हूं अभी 24 दिसंबर है आज और आपको करीबन 25 तक वीडियो मिल जाएगी। तो अगर हम बात करते हो आपके पास 60 डेज का टाइम है और यहां पे पेपर वन पेपर टू देने हैं, जो कि यहां पे 100 मार्क्स के दोनों 100 मार्क्स के पेपर्स यहाँ पे आपको देने हैं। और यहाँ पे अगर वैकेंसी की बात करें तो ज़्यादा वैकेंसी की वजह से आपको कंपटीशन भी बहुत यहाँ पे फेस करने को मिलेगा। अलग अलग ब्रांचेस यहाँ पे अप्लाई कर रही है। सबसे पहले जो पेपर वन की बात करते हैं तो उसमें यहाँ पे जनरल अवेयरनेस होगा, ठीक है, जनरल अवेयरनेस होगा या फिर जनरल नॉलेज होगा। उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग होने वाला है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एप्टीट्यूड होगा क्वांटिटेटिव, और उसके बाद यहां पे आएगा इंग्लिश। ये दोनों की आप जितनी प्रैक्टिस करो ना उतनी कम है, बहुत प्रैक्टिस। करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, कॉन्स्टिट्यूशन, लास्ट 5 ईयर्स का फाइनेंशियल प्लान, ज्योग्राफी, बहुत सारी चीजें हैं जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में। जनरल अवेयरनेस में आएगा करंट अफेयर्स अभी का, जो कि आपको कंटिन्यूसली पढ़ना है। अब इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में भी आपको प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, लेकिन रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड ऐसे टॉपिक्स है जो आप वन टाइम में प्रिपेयर कर सकते हो। एंड ये सारे के सारे टॉपिक्स जो मैं बात कर रहा हूँ वो ऐसे टॉपिक्स है ना कि आप अगर अभी थोड़ा टाइम देके प्रिपेयर कर लेते हो ना तो आपका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन में आपका हेडेक कम हो जाता है, क्योंकि ये सारे जनरल टॉपिक्स है, सारे एग्जामिनेशन में, सारे रिक्रूटमेंट में आते हैं। लेकिन अगर हम अभी इस पर्टिकुलर कोल इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जीके जनरल नॉलेज तो बेसिक आएगा, वो तो है, इंग्लिश तो आएगा। इसका सिलेबस क्या होगा, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। नाउ टॉपिक्स को मैं अगर वन टाइम में यहाँ पे आपको बोल दूँ, अब अगर हम यहाँ पे इसके टॉपिक्स की बात कर ले तो इनइक्वालिटी आएगा, पजल आएगा, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, फिर स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट, अजम्पशंस। फिर अगर आगे बात करते हैं तो इसमें और भी टॉपिक्स है, कोडिंग डिकोडिंग है, इनपुट आउटपुट है, सीरीज है, बहुत सारे टॉपिक रीजनिंग में से आएंगे, ठीक है। रीजनिंग एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। उसके बाद एप्टीट्यूड की बात कर लेते तो टाइम इन वर्क आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, परसेंटेज आएगा, पाइप सिस्टम्स, फिर मिक्सचर एलिगेशन आएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, डेटा सफिशियंसी आएगा, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारे टॉपिक्स, मेंस्यूरेशन, ये सारे के सारे टॉपिक्स। कितने टॉपिक्स अभी मेरे दिमाग में आए भी नहीं है, वो सारे टॉपिक्स एप्टीट्यूड में आएंगे। ये सारे एग्जाम में यहाँ पे कॉमन रहने वाले हैं, तो यहाँ पे ये बहुत काम का है, ठीक है। वन शॉट प्रिपरेशन, पेपर टू पूरी तरह से आपका प्रोफेशनल नॉलेज या फिर ऐसा कहे टेक्निकल नॉलेज, ठीक है, डिसिप्लिन से रिलेटेड। अब इसमें अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग पूरे सिलेबस दिए हुए हैं। जैसे कि मैं कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करता हूँ तो इसमें आएगा कंप्यूटर नेटवर्क्स आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, फिर थियरी एंड कंप्यूटेशन आएगा, कंपाइलर डिज़ाइन आएगा। अगर हम कहें तो इसका सिलेबस सेम एज गेट जैसा होता है, जैसे कि गेट का जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है और कोल इंडिया का जो सिलेबस है एग्जाम का, वो दोनों सेम है। अब यहाँ पे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी गेट की और इसकी थोड़ी अलग हो जाती है। अलग क्यों हो जाती है, बिकॉज आपके पास 60 डेज है। इनफैक्ट गेट में अगर गेट की प्रिपरेशन करते हो तो आपके पास 60 डेज नहीं, ऑलमोस्ट 6 महीने पहले शुरू कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके पास है 60 डेज। ये सबसे बड़ा यहाँ पे हेडेक है। अब गेट में यहाँ पे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मतलब ऐसे देखने जाओ तो 100 में से 25-30 कंप्यूटर साइंस के हिसाब से होता है, लेकिन इसका कट ऑफ स्कोर क्या होना चाहिए, सिलेबस हमने बात कर ली, कट ऑफ स्कोर आपका क्या होना चाहिए। वैसे मैं इसकी जो प्रिपरेशन है इसकी मैं आगे और भी डिटेल में बात करने वाला हूँ वीडियो के एंड में। अब यहाँ पे कट ऑफ स्कोर क्या होगा, लास्ट जो 2017 का जो यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग का कोल इंडिया का आया था उसमें जनरल वालों के लिए था करीबन 175 मार्क्स, सोचो 200 में से 175 मार्क्स। अगर आगे ओबीसी की बात करते हैं
तो ओबीसी का 170 है, ठीक है, ये कट ऑफ था। और क्लियरली नोटिफिकेशन में भी हमें बताया गया है कि सिलेक्शन 1:3 के हिसाब से किया जाएगा, मतलब हर एक वैकेंसी के लिए तीन स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाएगा, इस तरह का रेशो रखा जाएगा। तो अभी अगर यहाँ पे हम मानते हैं 1300 वैकेंसी है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, तो मल्टीप्लाई बाय आप 3 कर लो तो 3900, मतलब 4000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होने वाला है, अप्लाई करने वाले बहुत सारे होंगे, 4000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, क्योंकि एग्जाम के बेसिस पे आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको बाद में इंटरव्यू देना होगा, इंटरव्यू पूरा अलग होगा, इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू एंड एग्जामिनेशन बोथ। एग्जामिनेशन में आ गए, दैट मीन्स आप 1:3 के अंदर हो, अब इंटरव्यू देना रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये कट ऑफ को देखें, तो कट ऑफ अगर आप देखते हो तो 175 से 170, मतलब अगर जनरल वालों की बात करें तो 175, मैं यहाँ पे इस बार का अगर आपको बताऊँ तो 180 का मैं आपको बता सकता हूँ कि इस बार बहुत ज़्यादा लोगों को पता चला है कोल इंडिया के बारे में, कंपैरेटिवली ठीक है, 2017 के हिसाब से, तो कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस है, 180 तक जा सकता है जनरल वालों के लिए, बाकी का कम होगा थोड़ा बहुत, लेकिन जनरल वालों का अगर इसको आप करके देखो तो ये हो जाता है 80-90% के बीच में। वैसे मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा काउंट किया हुआ है, लेकिन अगर इससे कम हो तो आपका फायदा है, लेकिन इतना तो रहेगा ऐसा मुझे लग रहा है, 180 बहुत ज़्यादा है वैसे, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से अप्लाई करेंगे और जिस हिसाब से इन्होंने कहा है 1:3, तो यहाँ पे 180 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, और आपको यहाँ पे दोनों पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं, 80-90% आपका क्वालिफाइंग होगा ये समझ के चलो। तो ये कट ऑफ स्कोर इस साल का ऐसा हम समझ सकते हैं। वैसे अगर कहूँ तो ये सेफ स्कोर तो नहीं है, लेकिन कट ऑफ ये रहेगा, सेफ स्कोर नहीं है। कौन सा सेफ भाई, 200 में से 180 लाने हैं, तो ये सेफ मतलब किस तरफ से, आपको यहाँ पे प्रिपरेशन ही नेक्स्ट लेवल की करनी पड़ेगी अब, और यहाँ पे इसके बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होने वाला, इंटरव्यू होगा उसके बाद। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस पार्ट को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर दो। ये ऐसे टॉपिक्स हैं ना जिनको आप डेली प्रिपेयर कर सकते हो, जिनको आपको डेली प्रिपेयर करना रहेगा। प्रोफेशनल नॉलेज तो आपको पर्सनली आप जानते हो कि आपका प्रोफेशनल नॉलेज कितना अच्छा है ना। यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज की बात करें तो आपको प्रोफेशनल नॉलेज में आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे जाना रहेगा। सब्जेक्ट वाइज आपको मतलब कि अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस, मैं मेरी ब्रांच को लेके चल रहा हूँ, आप अपनी ब्रांच से रिलेट कर सकते हो। अगर मैं कंप्यूटर साइंस से एग्जाम दे रहा होता तो मैं प्रायोरिटी दूंगा कंप्यूटर नेटवर्क्स को सबसे पहले, फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ये सारे टॉपिक्स, थियरी एंड कंपटीशन आता है, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है ईजी भी है और इनकी वेटेज ज़्यादा भी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है डेटाबेस आता है, फिर प्रोग्रामिंग आएगा, फिर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आएगा, ये सारे टॉपिक्स मैं करूँगा और प्रिपेयर करूँगा। अब 60 डेज में इसको डिवाइड करना है, ऐसे देखने जाओ तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कहा जाता है, जहाँ पे मुझे सोर्सेस पता चले, मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े तो मुझे पता चला कि प्रोफेशनल नॉलेज में ये आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, ये आपको सिंपल मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे जिसको आपको इतना लंबा नहीं खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 60 डेज कम टाइम में ये भी समझते हैं कि ज़्यादा प्रिपरेशन इतने अच्छे से नहीं होगी, लेकिन आपको यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको बेस लेवल का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रोफेशनल नॉलेज ऑलमोस्ट 50% रखता है वेटेज, और ये 50% रखता है, तो ये आपका अगर अच्छा नहीं हुआ तो आपके यहाँ पे 180 तो बहुत मुश्किल है। कोई ये सोचता होगा कि इसमें ज़्यादा मार्क्स लेके आऊँगा पास हो जाऊँगा, नहीं हो पाओगे, आपको ये बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना होगा। हाँ, एक चीज़ है, अगर आप ये अच्छे से प्रिपेयर करते हो फिर भी गलतियाँ तो होने वाली है ना, लेकिन आप यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स छोड़ सकते हो, वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। 2 महीने में आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है, 2 महीने में आपकी स्ट्रेटेजी किस तरह से होनी चाहिए, तो प्रायोरिटी दो सबसे पहले मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। अब आप पूछोगे कि यार स्ट्रेटेजी आपसे जानने आए हुए, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हमें कैसे पता होंगे, मेरी ब्रांच के मुझे पता है, मुझे कैसे पता है, तो भाई मैंने गेट की तैयारी की थी, तो गेट के जो टॉप सब्जेक्ट्स थे, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, वही मैंने ले लिए और उसी के हिसाब से मैं प्रिपेयर करूंगा अगर मैं आपकी जगह पे होता तो। तो आप भी सबसे पहले क्या करो, अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करते हो तो जस्ट वेरी सिंपल है, गेट का सिलेबस देखो और गेट के सिलेबस के हिसाब से जो यहाँ पे गेट के सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स आपके दिए हुए हैं कौन से सब्जेक्ट की कितनी ज़्यादा वेटेज है, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। क्योंकि 2017 का आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर देख भी लेते हो कोल इंडिया का, तो आपको एनालिसिस नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे अगर देखना हो तो लास्ट 8 साल के गेट के पेपर देखो, आपको पता चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आईएमपी सब्जेक्ट्स को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है और उनको किसी भी तरह से 60 दिन में नहीं 40 दिन में कंप्लीट करना है।
40 दिन में इसको कंप्लीट करना है, 20 दिन का बफर रिवीजन का रखना है, और ये जो पार्ट है ना इसको पैरेलली आप अपने रूटीन में ले सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टाइम देना है। हाँ, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की आप जब तैयारी करोगे अपने प्रोफेशनल सब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली एक दिमाग जो होता है वहाँ पे एक पॉइंट पे आके थोड़ा थक जाता है। तो ये जो है ना सिंपल मैक्स होते हैं, ये आपके दिमाग थोड़ा रिफ्रेश कर देंगे। अगर आप डेली 2 आवर्स इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को दे देते हो ना, जैसे इसमें तो आपको अप टू डेट रहना है, ये सब्जेक्ट्स को आप डेली 2 आवर्स देते हो ना, तो करीबन 20 से 25 दिन में आप ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, आपको सिंपल है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उसको उठा कर सॉल्व करो। अगर आपको ऐसा लगता है आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सीधे क्वेश्चन उठाओ सॉल्व करो। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में टेंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, ये सारी चीज़ें, फिर यहाँ पे मिस्टेक क्या होगी सेंटेंस में, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, ये इंग्लिश में चाहिए। इसमें आपको अप टू डेट रहना है, अच्छे अच्छे सोर्सेज को आइडेंटिफाई करो और उससे डेली नॉलेज ग्रैब करते रहो। इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करना है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को आपने यहाँ पे कर दिया और उसको प्रिपेयर किया, एंड देन आप लास्ट 20 डेज में रिवाइज करोगे। यहाँ पे एग्जाम का डेट क्या रहेगा, एग्जाम का डेट यहाँ पे है 27 एंड 28 फरवरी, जो कि टेंटेटिव है। टेंटेटिव मतलब चेंज हो सकता है। अगर हम देखें तो 2 महीने 60 डेज, इसलिए मैंने यहाँ पे 60 डेज लिखा हुआ है। यहाँ पे कोई ऐसा मैं जादू नहीं करूँगा, टाइम ही आपके पास इतना है, ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम ही आपके पास इतना है, 60 डेज ही आपके पास है। अब ये बेसिक सी स्ट्रेटेजी है, आपको डेली के 4 से 5 घंटे इस एग्जाम के लिए देने पड़ेंगे, इसको आपको एक पूरा डेडिकेशन के साथ प्रिपेयर करना रहेगा। तो बेसिक से हमने थोड़ी स्ट्रेटेजी की बात कर ली। अब प्रीवियस ईयर पेपर्स, जैसा कि मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर पेपर इतना भी आपको हेल्प नहीं करेगा, लेकिन आपको अगर दिल की तसल्ली चाहिए तो आप रेफर कर सकते हो। मुझे जो पेपर्स मिले हैं एग्जैक्टली मुझे पता भी नहीं है कि वो पेपर्स सही है या नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं अवेलेबल है। अगर आपके पास किसी के पास अवेलेबल है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मेरा मेल आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इनफैक्ट चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है, मैं कमेंट में भी लिख दूंगा। आप मुझे मेल कर सकते हो, और आप में से किसी के पास ऑथेंटिक पेपर्स अवेलेबल है, मेरे पास जो भी अवेलेबल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूंगा, वहाँ पे सब मिल जाएगा आपको। नाउ यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो मैं आपको, जो मुझे मिले हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड हर एग्जाम में आपको काम लग सकते हैं, तो ये एग्जाम की भी अगर आप तैयारी करना चाहते हो, बाद में वैसे दूसरी एग्जाम की भी तैयारी कर पाओगे आप इसमें से। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में हमने कोर्स डिजाइन किया हुआ है, जिसमें रीजनिंग में 150 वीडियोज आपको मिल जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको 180 जितने वीडियोज मिल जाएंगे, जो कि एकदम प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बनाए हुए हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम कम है, टाइम कॉन्स्टेंट आपको इसको ध्यान रखते हुए आप इतना समझ सकते हो। आप अगर ढूंढने जाओगे फिर देखोगे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये हेडेक अगर आपको नहीं चाहिए, आपको एक अच्छा सा सॉल्यूशन चाहिए कि भाई सारे क्वेश्चन, सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी आ जाए, सब कुछ यहाँ पे वन शॉट एक ही स्क्रीन पे, एक ही पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आ जाए, तो आपको ये कोर्स में एनरोल कर सकते हो। वैसे ही ये कोर्स आपको हर जगह पे काम लगेगा, ऐसा नहीं है कोल इंडिया के लिए, रीजनिंग एप्टीट्यूड जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आपको काम लग जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये हेडेक आपका कम हो जाएगा अगर आप एनरोल करते हो, तो आराम से आप प्रिपेयर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये कोर्स अगर जो भी स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं, अगर आपको इंटरनेट की प्रॉब्लम है, आप ऑनलाइन लेक्चर्स, आपके पास इंटरनेट प्रॉपर नहीं है, तो हमने गूगल ड्राइव की भी फैसिलिटी रखी हुई है। नाउ जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ऑनलाइन लेक्चर्स का कोर्स है वो 999 का है, दोनों में कंटेंट सेम रहेगा। 999 में आपको यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर्स वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जो कि आपको हर बार इंटरनेट चाहिए, और गूगल ड्राइव का कोर्स है जो कि आपको 1099 में मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव से हम यहाँ पे आपको कोर्स प्रोवाइड कर देंगे, एक ही बार डाउनलोड करना है, बाद में आप ऑफलाइन अपने कंप्यूटर से उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, कंप्यूटर या मोबाइल दोनों। इसी तरीके से रीजनिंग के लिए भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया यही फैसिलिटी सेम है, रीजनिंग का कोर्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा एंड ऑफलाइन भी, ऑनलाइन 999 में मिल जाएगा एंड ऑफलाइन जो है गूगल ड्राइव का कोर्स 1099 में मिल जाएगा। अब ये अभी बहुत ही बढ़िया ऑफर है, ये सारे के सारे कोर्स 3000 का कोर्स है, 3000 का कोर्स आपको 999 में मिल जाएगा, मतलब बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आप लेना चाहते हो तो ज़रूर से ले लो। एप्टीट्यूड के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, एप्टीट्यूड कोर्स के लिए यहाँ पे क्लिक करके पूरी प्रोसेस या वीडियो देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आप देख सकते हो।
और रीजनिंग के लिए भी यहाँ पे दूसरी मैंने लिंक रखी हुई है रीजनिंग कोर्स के लिए, और डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दी हुई, पूरी प्रोसेस ये वीडियो में समझाई हुई है, आप वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपको डाउट है कि भाई वीडियोस कैसे होंगे, क्वालिटी मतलब कंटेंट कैसा होगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको डेमो लेक्चर्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे। अपनी मर्जी से डिसाइड करो, बस इतना ध्यान रखना कि टाइम आपके पास कम है, आपको कम टाइम में अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक्स तो आप देख ही रहे होंगे, स्टूडेंट के फीडबैक्स आ रहे होंगे, ये एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के सारे फीडबैक्स, ये स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1000 स्टूडेंट से ज़्यादा एनरोल कर चुके हैं लास्ट 6 मंथ्स में, तो आप भी ज़रूर से एनरोल कीजिए, टाइम बहुत कम है एंड ऑफर भी बहुत ही कम समय के लिए है, तो ज़रूर से एनरोल कीजिए। एंड अगर आपको सारी पूरी समझ में आई है, तो आपका जो दोस्त है कोल इंडिया में अप्लाई कर रहा है, तो उसको ये वीडियो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचाओ। एंड पता चले कि कट ऑफ कुछ इस तरह से था, काफ़ी को पता ही नहीं है, एंड सिलेबस भी काफ़ी को नहीं पता है, सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में सिलेबस दे दिया है, सिलेबस की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई है, नेक्स्ट शाम के अपडेट में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।